कि यहाँ पे फाइल है या नहीं है, ठीक है सर। या फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, लोकेशन यहाँ पे चेंज करोगे। यहाँ पे कौन सा लोकेशन है अभी? लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मैंने फाइल को कहाँ पे सेव किया था? डेस्कटॉप पे किया था ना। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे? डेस्कटॉप। यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करना होगा। एड्रेस बार में जाके मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा। अब जो भी जितने भी डेस्कटॉप पे जो आपके फाइल फोल्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी फाइल फोल्डर हैं, फिर आपको यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हो कि आपकी फाइल इनमें से कौन सी है। वहां से स्क्रॉल करके देखोगे कि आपकी फाइल है या नहीं है। अगर मिल जाते हैं, अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके शॉर्टकट जो फाइल नेम है, यहाँ पे फाइल नेम है, यहाँ पे आप नाम टाइप करोगे इस फाइल का। यहाँ पे क्लिक करके फाइल का नाम आपको टाइप करना है। हिंदी फोन ऑफ कर दे। मैंने भारत टाइप किया, वो फाइल यहाँ पे आ गया। आप उसको सेलेक्ट करने ओपन पे क्लिक कर देंगे, वो फाइल जो आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन करके दिखाइए सारे फाइल जो आपने फाइल सेव किया था ना, जो पहले फाइल सेव किया था उसे ओपन करके दिखाइए। पार्टिकुलर लोकेशन याद करना होगा आपको जब आपने क्या लोग, तो उसमें सर्च करके मिल जाएगी। तो होते हैं फाइल का नाम, बहुत सारी फाइलें होती है, वो राइटर की है, इंप्रेस की है, एक्सेल की है, तो देखना होगा आपको। पहले सब फाइल ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं। इसके बाद आपका आता है रीसेंट डॉक्यूमेंट का, एक ऑप्शन छोड़िए ऊपर, रीसेंट डॉक्यूमेंट। कोई बता सकता है रीसेंट डॉक्यूमेंट से क्या होता है? जिस फाइल का कोई लेटेस्ट चार्ज किया है। और कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट से क्या होता है? जो आपने कोई फाइल से रिसेंटली आपने फाइल पे काम किया है, ठीक है, उस फाइल को आपने काम करके से क्लोज किया, पहले मतलब सेव करके जिस फाइल को सेव करके क्लोज किया गया है, उस फाइल को दिखाएगा आपको वहां पे, जो रिसेंटली फाइल सेव हो गए आपने क्लोज की है, उस फाइल को दिखाएगा लास्ट वर्ड। हाँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे फाइल मैंने हम क्लिक करेंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट, हमने जब रिसेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया हमारे पास ये फाइल यहाँ पे दिख रही है। देखिए फाइल ये हमने रिसेंटली इन फाइलों पे हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, हमने उन फाइल पे काम करके उसको सेव करके उनको क्लोज किया है। अगर मान लो आपने कोई फाइल ओपन किया, ठीक है, आपने उस फाइल को सिर्फ ओपन किया, उसको सेव नहीं किया, आपने कुछ भी टाइप वर्क किया, आपने कुछ भी लिखा, उसको आपने सेव नहीं किया, उसको डायरेक्टली आपने क्लोज कर दिया, तो वो चीज़ आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाई देगा। वही फाइल आएंगी जिन फाइल को आप सेव करके क्लोज करोगे, ठीक है। जो रीसेंट जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितना रीसेंट है, नहीं इसमें डेज का वीक का कितना है, मतलब जितने हैं इसमें, इस लिस्ट में 10 ही दिखा रहे हैं फाइल, 10 है, 10 ही दिखा, आप उस लिस्ट को क्लियर कर सकते हो। बाकी मतलब ये डेज का ऐसा कुछ नहीं, डेज वाइज जैसे कि रिसेंटली फाइल होते गए करते गए इस पेज में, इतना के जो पहले की फाइल थे वो ऑटोमेटिक रिप्लेस होते जाएंगे। ये सेव नहीं करा होगा ना आपने साइड, इसे क्लोज करके ओपन करना होगा ना पहले फाइल को क्लोज करो। इसके अंदर कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं जो ऐप जो एमएस ऑफिस है वो एडवांस उसके अंदर काफी क्लोज कर मिनिमाइज करा है। आपने ऐसा पूछा कि कितनी फाइलें आपकी ले टोटल आएंगी इसे इसे क्लोज करो फाइल पे जाकर क्लोज फाइल तो इनमें से जो फाइल है जो सबसे लास्ट वाला फाइल है वो ऑटोमेटिक हटके जो नया फाइल है वो यहां पे आ जाएगा, जो उसका ऑर्डर है वो चेंज होता रहेगा, फर्स्ट नंबर वो सेकंड पे आ जाएगा, जो लास्ट वाला फाइल हट जाएगा।
किसी का 15 भी होता 10 भी होता है, वो तो हमने साइज को बड़ा करने के लिए फाइल आपको सेव रहेगा ना, दस जो होता है मिनिमम तो 10 मान लेते हैं। अगर हम फोन के साइज कम करें तो अपना लोकेशन फाइंड कर लेते हैं, वरना फिर वो 10 भी लेते हैं साइड में अपना ओपन करने के साथ में व्यू भी करते हो तो अपने आप फाइल के फाइल का नाम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ना जाके आप चाहो कि मैं यही से फाइल ओपन करना चाहता हूं, जैसे फाइल यहां पे है एक द्वारका के नाम से फाइल सेव किया था ना, जब मैंने उसका लोकेशन चेंज किया था भारत के नाम से फाइल था उसको मैंने द्वारका के नाम से चेंज किया था, वो यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करना चाहूं तो आप यहीं से इसको सेलेक्ट करके ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। ये था रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट जो रिसेंटली हमने फाइल को सेव करके क्लोज किए हैं, आगे समझ में। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट है जो आपकी जो फाइल है यहाँ पे हमारी नॉर्मल फाइल है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, आप इसके अंदर कुछ भी आप ऐड मतलब कोई भी फाइल वगैरह सेव करते हैं उसके अंदर एडिटिंग हो सकती है, कोई भी छेड़खानी कर सकता है, लेकिन पीडीएफ फाइल क्या उसको आप पीडीएफ में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं होगा, सिर्फ पीडीएफ क्या रीड करने के काम में आएगा आपके पास। अगर पीडीएफ कोई देखा आपका फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फॉर्मेट, वो क्या होता है आप सिर्फ उसको रीड करते हो ना, उसके अंदर आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, एक अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप ऑनलाइन उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन एक बार पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, अगर किसी को हम डॉक्यूमेंट भी भेजना होता है तो हम पीडीएफ में ही भेजते हैं। अगर लिखना चाहता आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों से आप पूछ भी सकते हो कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का हम यूज क्यों करते हैं, ये हम हमारी फाइल को सेव रखती है सुरक्षित रखती है, इसके अंदर हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लिख रहे हैं, लिख लिया सबने, अब देखते हैं कि फाइल जो हमारे नॉर्मल फाइल है इसको हम पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, एक बार आप लोग देख लीजिए फिर जाके इसके बाद कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ आप लोग करना, ठीक है। फाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बस इसके अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसके अंदर पहले सेव का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सपोर्ट एज पहले मतलब जो उसके प्रोसेस स्टेप है वो आगे पीछे होंगे, लेकिन दोनों सेम है, इनमें से किसी भी आप तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, जब एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके की जैसे हम फाइल को सेव करते हैं ना सेम वैसे ही आ जाएगा आपको जिस भी एड्रेस जिस भी लोकेशन पे आपको पीडीएफ फाइल चाहिए जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट जहाँ भी आप चाहते हो एक्सपोर्ट करना वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे डेस्कटॉप पे करना है इसलिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप ही रहने दिया, ठीक है। जिस नाम से आपको अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो नाम यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1 2 3 करके फाइल नेम लिख के फिर सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके आपको पीडीएफ ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। कई जगह क्या होगा यहाँ पे एक और चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जब आप बच्चों से करवाओगे किसी किसी सिस्टम में
ये पेजेस का ऑप्शन है, मान लो हम अभी एक पेज पे काम कर रहे हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा पेज वालों किसी दो ऑफिस या कहीं काम करो, एक से मल्टीपल पेजेस हो आपके, आप चाहते हो कि सारे पेज को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करें, या सिर्फ 10 पेज या 10 में से सिर्फ एक पेज को हम पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट करें, अगर सारे चाहोगे तो ये ऑल का ऑप्शन है, ऑल पेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज को आप करना चाहते हो, मान लो आप एक से लेके आपके पास 10 पेज है, उनमें से आप चाहते हो कि मुझे पांचवें नंबर या छठे नंबर पेज है उसी का पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पर पेज का ऑप्शन जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप कुछ पेज नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, 1, 2, 3 जो भी पेज नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आप 1 का करना है 1 पे 1 लिख दो, 2 का करना है 2 लिख दो, 3 करना है 3, जितने भी पेजेस है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये चीजें रहती है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना है, पेज सेलेक्ट होने के बाद एक्सपोर्ट पे आप क्लिक कर दो। ये कुछ जब हम पीडीएफ में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो इमेज में शो करता है वो, उसकी क्वालिटी कैसी आनी चाहिए, वहाँ से हम यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, साइज फाइल का साइज छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, जेपीजी का क्वालिटी प्लस क्वालिटी साइज को। कई जगह क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है ना, कई कंप्यूटर में क्या होता है, जो स्क्रीन ना जो स्क्रीन होता है पूरा स्क्रीन होता है बड़ी होती है, जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो शो नहीं करता, यहाँ पे वो नीचे आ जाता है, जिसके हिसाब आपको क्या करना है।